हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए ट्यूटोरियल ऑफ विनायक इंटर कॉलेज खजराट अयोध्या। माय नेम इज संध्या सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 9th इंग्लिश ग्रामर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन आर प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की हिंदी होती है गुणवाचक विशेषण। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा विशेषण है जो गुण बताता है। यह जो एडजेक्टिव है ये विशेषता तो बताता है लेकिन गुण की विशेषता बताता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो एक गुणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के गुण को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, सोलोमन वॉज अ वाइज किंग, दैट इज अ ब्लैक डॉग। यहाँ पे किंग तो किंग है, कैसा किंग है, वाइस बुद्धिमान है, गुण को बताया जा रहा है। डॉग कैसा है, डॉग ब्लैक है, तो यहाँ पे गुण बताया जा रहा है कि वो कैसा है। और यहाँ पे हाउ क्वेश्चन करने से हमें इसका पता चल जाएगा। सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स परिमाण वाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल जाएगा, An adjective of a quantity is a word that describes the quantity of a noun or pronoun. इसमें हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण के बारे में बताएगा, इसलिए ये क्या है, adjective of quantity, परिमाण सूचक विशेषण। For example, first they drank some milk, उन्होंने कुछ दूध पिया। There is much water in the tank. वहाँ पे टैंक में अधिक पानी है, तो यहाँ पे मच क्वांटिटी बता रही है, सम यहाँ पे परिमाण बता रहा है, इसलिए ये परिमाण सूचक है। नंबर थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बताता है, इसलिए ये संख्यावाचक सर्वनाम है। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज टू फ्रेंड, उसके पास दो मित्र हैं। कितने मित्र हैं, दो मित्र हैं। आई ऐड फोर एप्पल्स, मैंने चार सेब खाया। तो यहाँ पे ये फोर टू बता रहा है नंबर, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नंबर फोर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत वाचक विशेषण। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक संकेतवाचक विशेषण एक शब्द होता है दैट रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन, जो एक नाउन और प्रोनाउन को संकेत करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर फोर वर्ड, दिस दिस दैट दोज, और ये चार शब्द होते हैं। संकेत करने वाले शब्द जो विशेषण के होते हैं वो चार होते हैं, दिस दिस दैट दोज। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। दिस एनिमल्स आर ग्रेजिंग, ये जानवर चर रहे हैं। दैट डॉग इज ब्लैक, ये वह कुत्ता जो है काला है। दोज पीपल आर रनिंग, वह लोग दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है संकेत करने वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। नंबर फिफ्थ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण क्या है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्नवाचक विशेषण वो होता है जो एक प्रश्न पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, होस कार इज दैट, एक तो आपको आगे क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, पीछे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट आपको आगे क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, डब्ल्यू एच वर्ड मिलेगा और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। व्हिच पेन इज योर्स, आपकी पेन कौन सी है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखनी होगी, व्हिच के बाद यहाँ पे तुरंत नाउन या प्रोनाउन आया रहेगा, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक विशेषण है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे है क्योंकि यहाँ पे जो है ये पेन है, ये पेन नाउन है और नाउन की ये जो विशेषता बता रही है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिनोट्स इट, इट्स नाउन सिंगली। एक जो विभाग सूचक विशेषण होता है वह नाउन को, एकमात्र नाउन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज पास्ट, यहाँ पे विभाग बताता है लड़के का, बच्चों का। नाइदर स्टेटमेंट वॉज ट्रू, आइदर स्टेटमेंट वॉज ट्रू, तो यहाँ पे ईच, नाइदर, आइदर जितने भी वर्ड्स होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं क्योंकि ये विभाग सूचक होते हैं और ये विभाजन करते हैं। नेक्स्ट इज सेवन्थ एंड लास्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव। अ प्रॉपर एडजेक्टिव
is formed from proper noun. एक व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से रूपांतरित है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, भारतीय सिपाही बहादुर हैं. अमेरिकन टॉयज आर कॉस्टली, अमेरिकन जो खिलौने होते हैं वो महंगे होते हैं. तो यहाँ पे इंडियन, अमेरिकन, यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है. थैंक यू.